नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर आलापा कश्मीर राग, कहा कश्मीर मसला सुलझाए बिना शांति संभव नहीं, आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का युवा नेता बताया। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र ने दिया करारा जवाब, महासचिव बान की मून ने कहा कश्मीर को आपस में हल करे भारत पाक। कश्मीर विवाद पर नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से मांगी थी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और सैकड़ों वैज्ञानिकों ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर दुनिया को किया आगाह, ट्रंप की नीतियों की तीखी आलोचना। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं ट्रंप। ब्रिटेन में भारतीयों को सस्ता ब्रिटिश वीजा मुहैया कराने के अभियान को मिली सफलता, अभियान को उद्यमियों और राजनेताओं का मिला समर्थन। 330 पॉइंट में भारतीयों को मिलता है 2 साल का पर्यटक वीजा। चीन में ड्रग तस्करी में गिरफ्तार भारतीयों ने खुद को बताया निर्दोष, भारत सरकार से मांगे मदद। फूड पैकेट और लैपटॉप बैग में कोकीन ले जाते हुए पकड़े गए थे 5 भारतीय। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में आईएस के 3 आतंकियों को किया ढेर, आईएस के 103 ठिकानों को किया ध्वस्त, तुर्की सेना ने की पुष्टि। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।